أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصطفى أيوب here I hope you are all fine by the grace of Allah سبحانه وتعالى It's math time for class 7 Now we will start our lesson which is from geometry of exercise 12A and we will solve question number 5, 6 and 7. To solving question number 5, we will move to our solution board. Now, beta, we will solve question number 5 of exercise 12A from page number 154. And question is that in the given figure, AB parallel to CD. Now you can see AB is parallel to CD. And PQ perpendicular to AB. And PQ is perpendicular to AB. Perpendicular hai beta 90 degree per. Okay. And LM perpendicular to CD. LM is perpendicular to CD. Yahan par dekhe, ye bhi 90 degree per hame nazar aa rahi hai. Find measurement LM. If measurement PQ is equal to 1.4 centimeter, कह रहे हैं LM आपने find out करनी है, PQ आपको given है और उसकी measurement क्या है 1.4 centimeter. And we know beta, parallel lines. The distance of parallel lines remains constant. हमेशा parallel line का जो distance होता है वो हमेशा constant होता है, means same होता है. Means कि AC का जो distance है वही distance यहाँ पर BD का है. तो जब AC का distance अगर same है और BD का भी distance same है तो AC का distance 1.4 centimeter है. BD का डिस्टेंस क्या होगा 1.4 सेंटीमीटर. और बाय पॉइंट सबसे पहले हमें क्या चीज याद रखनी है कि जब भी पैरेलल लाइन होंगी तो उनका डिस्टेंस स्टार्ट टिल एंड बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल कांस्टेंट होता है. मींस आप यहां पर भी अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका डिस्टेंस भी क्या होगा 1.4 सेंटीमीटर. बेटा We start the answer with statement. The statement is the distance between two parallel lines. Remain constant. Constant or same. So, line LM is equal to line PQ. और पी क्यू के मेजरमेंट क्या है गिवन 1.4 सेंटीमीटर. सो एल एम इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. नाउ वी विल मूव टू आवर सॉल्यूशन बोर्ड अगेन फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6. Now beta, it's time to solving question number 6 of exercise 12A from page number 154. In this question, we have this figure and AB is parallel to CD. AB yahan par bhi dekhe hain, CD ke parallel hai. But in this figure, PQ is a transversal line and RS is also a transversal line. What is transversal line?
cut two or more than two parallel lines, that is called transversal line. इस लाइन ने इन दोनों पैरेलल लाइन को क्रॉस किया तो ये कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन. और हमने ट्रांसवर्सल लाइन के कुछ रूल्स पढ़े थे लास्ट क्लास में. इसी तरीके से यहाँ पर भी, अब यहाँ पर आपको बेटा गिवन है एंगल्स 60 डिग्री एंड एंगल 75 डिग्री. सबसे पहले हम इन एंगल्स को नेम दे देते हैं. एंगल ए एंड एंगल बी एंड हमसे क्वेश्चन यहां पर पूछा गया एंगल एक्स एंगल वाई एंड एंगल जी. हमें कहा एंगल एक्स एंगल वाई और एंगल जेड, यह आप फाइंड आउट कीजिए. नाउ वी विल स्टार्ट अवर गिवन पोर्शन. गिवन क्या है हमें? एंगल ए सिक्सटी डिग्री एंड एंगल बी 75 डिग्री. और रिक्वायर्ड क्या है बेटा? एंगल एक्स एंगल वाई एंड एंगल जेड एंड सॉल्यूशन. कुछ रूल्स यहाँ रिमाइंड करेंगे. क्या रूल्स थे? कि जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी पैरेलल लाइंस को तो उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो सेम डायरेक्शन में हो, मींस एंगल ए और इसी की तरह एंगल वाई. लास्ट एक्सरसाइज हम क्वेश्चन कर चुके हैं इसमें. यहाँ पर देखें फिर इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए और एंगल वाई चूँकि एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है तो वह एंगल एक दूसरे के इक्वल भी होंगे. एंगल ए 60 है तो एंगल वाई 60 डिग्री होगा. गॉट माई पॉइंट? नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल वाई बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. अब मैं इसको बहुत डिटेल में आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ. और एंगल ए 60 है तो एंगल वाई भी क्या है? 60 डिग्री. जी एंगल वाई तो आपने फाइंड आउट कर लिया. देन एंगल एक्स. लास्ट क्लास में ही आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो लाइन स्ट्रेट लाइन होंगी उस स्ट्रेट लाइन पर एडजेसेंट एंगल्स मींस उस स्ट्रेट लाइन को जो एंगल बना रहे हो वो एंगल हमेशा 180 डिग्री होंगे. इसका मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन है. अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों एंगल्स इसके एडजेसेंट मींस एक साथ कंबाइन एंगल्स हैं तो ये दोनों मिल के 180 डिग्री की लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. तो अगर ये 60 है तो इस एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? याद कीजिए क्या फॉर्मूला था. एंगल ए प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी.
और एंगल ए आपको गिवन है 60 डिग्री, एंगल एक्स आपको फाइंड आउट करना है, देन 180 और एंगल एक्स 60 हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा 180 से, माइनस 120, इट्स मीन एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री। टू एंगल्स आपने फाइंड आउट कर लिए, देन लास्ट वन वी हैव टू फाइंड, द लास्ट वन इज एंगल जेड। क्या ये भी स्ट्रेट लाइन है? यस, ये स्ट्रेट लाइन है, इट्स मीन ये एडजस्टिंग एंगल्स हैं और ये दोनों एडजस्टिंग एंगल एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, और जब दो एडजस्टिंग एंगल एक स्ट्रेट लाइन बनाए तो उन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। इट्स मीन कि अगर हमें एंगल बी 75 गिवन है तो हम एंगल जेड फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। नाउ एंगल बी एंड एंगल जेड इन दोनों का सम हमें पता है कि ये 180 डिग्री होगा बिकॉज दे मेट स्ट्रेट लाइन, देन एंगल बी इज 75 डिग्री एंगल सेट हम यही रहने देंगे और एंगल बी को हम राइट साइड ट्रांसफर करेंगे और वो क्या होगा? माइनस फ्रॉम 180। एंगल सेट क्या होगा बेटा? ये 105। This is the answer of angle Z. Angle Y is equal to 60 degree, angle X is equal to 120 degree, and angle Z is equal to 105.